Now all of you, welcome to our Rajmadav Vidya Vihar online class, standard 5th, chapter 12, kinds of adverbs. Now, आगे के लेक्चर में हमने एडवर्ब्स का मीनिंग समझा था कि नाउन एडवर्ब्स मीन्स जो वर्ब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऐड होते हैं उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं. नाउ चैप्टर 12 इज काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, मीन्स एडवर्ब्स के यहाँ पर कितने टाइप्स है. सो नंबर वन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सो रीड दिस सेंटेंसेस. नंबर वन, ही वर्क्स केयरफुली. सी रीड्स क्लियरली. नंबर थ्री, दे प्रेयर साइलेंटली. सो द अंडरलाइन वर्ड केयरफुली, clearly and silently. So how the working, reading and prayed were done. So they show the manner in which the things are done. Therefore they are called adverbs of manners. So यहाँ पर जिसके नीचे underline किया है carefully, clearly and silently. So ये जो हमें दिखाता है working कैसे होना चाहिए, read कैसे होना चाहिए and pray. So this is the show in manners, जो हमें manners दिखाता है. सो दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो इसे हम मैनर्स कहेंगे. यानी कि वर्क जो है वो केयरफुली अच्छी तरीके से करना चाहिए, रीड आपको क्लियरली अच्छी तरीके से आना चाहिए एंड प्रे जो आपको साइलेंटली करना चाहिए. दिस इज द कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर्स. सो दे आर यूजली फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव. यानी कि जो एडजेक्टिव हमें दिए केयरफुल है, क्लियर है, सो उसके आपको एल वाई ज्वाइन करना है, सो वो एडवर्ब हो जाएगा. एक्सरसाइज वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. सो यहाँ आपको एडवर्ब और मैनर्स से एफ आई भी फिलअप करनी है. सो फर्स्ट वन, द डल स्टूडेंट सॉल्व द सम रॉन्गली. यानी कि जो डल स्टूडेंट होते हैं वो सॉल्व जो सम होते हैं वो रॉन्गली करते हैं. नंबर टू, सी सिंग स्वीटली, मीन्स जो वो गाते हैं वो बहुत स्वीटली अच्छी तरीके से गाते हैं. नंबर थ्री, हिज अंकल एब्यूज्ड हिम सो ही लेफ्ट हिज हाउस इमीजिएटली. यानी कि उसके जो अंकल है उन्होंने उसको एब्यूज यानी कि डांटा, सो वो तुरंत ही घर छोड़ के चला गया. सो इमीजिएटली. नंबर फोर, एट नाइट द थीफ एंटर द हाउस साइलेंटली. यानी कि रात को जो चोर है वो हाउस में, घर में साइलेंटली तरीके से आए. नंबर फिफ्थ, द रैबिट वॉज लुकिंग अराउंड क्यूरियसली. जो रैबिट है वो अपने आस पास एक क्यूरियसली, एक उत्सुकता की तरह से वो देखता है. नंबर सिक्स, आई डिसमिस्ड हिम बिकॉज ही ऑलवेज वर्क केयरलेसली. यानी कि आई डिसमिस, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी बिकॉज तुम्हारा जो वर्क है वो केयरलेसली, वो अच्छी तरीके से होता नहीं है. नंबर टू, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सो द नंबर वन, ही विल रीच द स्टेशन सून. नंबर टू, शी अराइव लेट. सो द अंडरलाइन वर्ड सून एंड लेट सो व्हेन एक्शन ऑफ रीचिंग एंड अराइविंग टेक प्लेस. So they answer the question when such words are called adverbs of time. So यहाँ पर जहाँ पर underline words किए soon और late. Soon mean जल्दी और late mean जो late जल्द आते हैं वो. So यहाँ पर जो action दिखाई दे रहा है वो है reaching यानी पहुँचना और arrive means आना. जो यहाँ पर एक place दिखाई देता है और यहाँ पर जो time दिखाई देता है, so यहाँ पर आपको question अगर when से करें तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ होता है. सो व्हेन के लिए यूज होता है टाइम. सो एक्सरसाइज टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सो नंबर वन, आई नो हिम बिकॉज आई हैव सीन हिम वंस बिफोर. यानी कि मैं उसे जानता हूँ बिकॉज मैंने उसको पहले भी देखा हुआ है, सो बिफोर. नंबर टू, गेट रेडी द ट्रेन विल अराइव सून. जल्दी से रेडी हो जाओ, द ट्रेन यानी कि ट्रेन जो है वो जल्दी से आ जाएगी. नंबर थ्री, द फार्मर गॉट अप अर्ली एंड वेन टू द फील्ड. यानी कि फार्मर है जो वो जल्दी से उठ जाते और खेतों में चले जाते. सो आंसर इज अर्ली. नंबर फोर, आई होप टू मीट हिम अगेन. मुझे ऐसी इच्छा है कि तुम दोबारा भी मिलो, सो अगेन. नंबर फाइव, वेर डिड ही गो. यानी कि तुम कहाँ जा रहे थे. ही वॉज हियर एंड अवेयर अगो. तुम यहाँ पर एक घंटे से पहले थे. नंबर सिक्स, He failed once, so he will try again. यानी कि वो अगेन एक बार फेल हुआ है, सो उसको दोबारा try करना चाहिए. So answer is again. Now number थ्री, adverbs of place. So adverb of place, read this sentences. He was standing there. Come here and take this bottle. So underline words he there and here, where the action of standing and coming take place. They answer the question where. Such words are called adverb of place. Means यहाँ आपको there and here का use किया गया, जहाँ पर
स्टैंडिंग एंड कमिंग, आना और खड़े रहना। देन अगर क्वेश्चन वेयर से पूछा जाए तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ होता है। सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आपको वेयर से क्वेश्चन किया जाए तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, जहाँ पर क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट होते हैं। सो नंबर 1, आई लॉस्ट माई पेन, आंसर इज हीयर, मेरी जो पेन है वो मैं यहाँ खो गया था, यानी कि हीयर। नंबर 2, आई सर्च फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, यानी कि एवरीवेयर, आंसर इज हर जगह। नंबर 3, बट आई फाउंड इट नो वेयर, बट मुझे कहीं पर भी मिली नहीं, सो आंसर इज नो वेयर। नंबर 4, डोंट वेट देयर, यानी कि वहाँ पर उसकी राह देखना नहीं है, सो डोंट वेट, आंसर इज देयर। नंबर 5, कम हीयर एंड हेल्प मी टू डू दिस लेसन, यानी कि यहाँ पर आओ और ये जो लेसन है उसमें मेरी। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नंबर 1, गांधी जी नेवर टोल्ड लाई, गांधी जी कभी भी झूठ बोलते नहीं थे। आई समटाइम टेक टी, मैं कभी कभी चाय पीती हूँ। नंबर 3, नंबर शी फ्रीक्वेंटली विजिट माई हाउस, यानी कि उन्होंने मेरे घर की फ्रीक्वेंटली तुरंत ही विजिट की। नंबर 4, ही ऑफन टेल्स लाइज, यानी कि वो बार बार झूठ बोलता है। सो द अंडरलाइन वर्ड्स नेवर, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स एंड ऑफन शो हाउ मैनी फ्रॉम द एक्शन डिक्लेयर बाई द वर्ब्स टेक प्लेस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पर ये सभी वर्ड्स यूज हुए वो एक एक्शन दिखाता है, सो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नाउ दीज एडवर्ब्स कम बिफोर द वर्ड्स विच दे मॉडिफाई एंड नॉट आफ्टर देम, अदर एडवर्ब्स डू, दे हाउ एवर यूज आफ्टर द वर्ब टू बी मीन्स एम इज आर, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। सो यहाँ आपको जहाँ पर आंसर क्वेश्चन है जो हाउ ऑफन से किया जाता है तो वहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना है, मीन्स नेवर जैसे वर्ड है, समटाइम, ऑफन या फ्रिक्वेंटली। सो एग्जाम्पल, ही इज नेवर लेट टू स्कूल, वो कभी स्कूल लेट नहीं पहुँचता है। नंबर 2, हर पेरेंट्स आर रेयरली एंग्री विथ हर, उसके पेरेंट्स बहुत ही कम उस पर एंग्रीली मीन्स गुस्सा होते हैं। एक्सरसाइज 4, यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सो इन द ब्रैकेट्स द मोस्ट सुटेबल प्लेस एंड री राइट द सेंटेंसेस, मीन्स यहाँ आपको जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए उसका यूज करना है एंड सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सो फर्स्ट वन डन। नंबर 1, ही हेल्प्स मी इन माई लेसन समटाइम, यानी कि वो कभी कभी मेरे लेसन में हेल्प करता है, सो आंसर इज ही समटाइम्स हेल्प्स मी इन माई लेसन्स। सो यहाँ पर आपको ही, यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके बाद आपको ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखना है, देन राइट सेंटेंस सेम टू सेम। सो नंबर 2, आई गेट एंग्री विदाउट रीजन नेवर, मीन्स वो बिना रीजन के बहुत ही गुस्सा होता है, सो आंसर इज आई नेवर गेट एंग्री विदाउट रीजन। नंबर 3, ही गोज टू सी मूवीज फ्रीक्वेंटली, सो आंसर इज ही फ्रीक्वेंटली गोज टू सी मूवीज। नंबर 4, आई सी हिम दिस डेज इन द स्कूल रेयरली, सो आंसर इज आई रेयरली सी हिम दिस डेज इन द स्कूल। नंबर 5, वी से अवर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड ऑलवेज, सो आंसर इज वी ऑलवेज से अवर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि वो बेड पर जाने से पहले हर रोज वो प्रेयर करता था। नंबर 6, अ गुड चाइल्ड डिसओबे हिज पेरेंट्स सेल्डम, सो आंसर इज ए गुड चाइल्ड सेल्डम डिसओबे हिज पेरेंट्स। नंबर 7, आई हियर दैट साउंड एट मिडनाइट ऑफन, सो आंसर इज आई ऑफन हियर दैट साउंड एट मिडनाइट, मैं हर रोज या बार बार मिडनाइट यानी रात को ये आवाज़ जो है वो सुनता हूँ। नंबर 8, सी कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स समटाइम, सो आंसर इज सी समटाइम्स कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स। सो दिस इज द चैप्टर 12 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हु फिल अप इन वर्कबुक। सो थैंक यू, प्रणाम।